नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु पांडे। मुंगेर जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प की घटना के बाद अब वहां के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। जी हां, मुंगेर एसपी लिपि सिंह और डीएम राजेश मीणा के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुंगेर एसपी लिपि सिंह को जेल भेजने की मांग भी की है। गुस्साई भीड़ ने दो थानों में आग लगा दी है और साथ ही कई गाड़ियों को फूंक डाला है। मुंगेर में भीड़ का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होते जा रहा है। पूर्व सराय थाना और वासुदेवपुर ओपी को भीड़ ने फूंक डाला है। अब भीड़ कोतवाली थाना की ओर बढ़ चुकी है। दोनों थानों की कई गाड़ियों में भीड़ ने आग लगा दी है। लगातार मुंगेर एसपी लिपि सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि मुंगेर में लिपि सिंह की तानाशाही नहीं चलेगी। इसके साथ ही भीड़ एसपी को बर्खास्त करने और 302 धारा के तहत जेल भेजने की मांग कर रही है। गुस्साई भीड़ के इस प्रदर्शन के बाद तत्काल एक्शन लेते हुए मुंगेर के डीएम राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने दोनों को तत्काल हटाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मुंगेर की घटना की जांच पूरी कर 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का भी आदेश दे दिया गया है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।